नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम भाइयों और भाइयों के भाभीयों। मैं हूँ देसी गेमर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ माइनक्राफ्ट। ये दुनिया के उन टॉप 10 गेमों में से है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। तो बिना ज़्यादा ओवर एक्टिंग किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये तो हम लोग खेलने जा रहे हैं सर्वाइवल सिंगल प्लेयर मोड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को करना होता है कि एक नया वर्ल्ड बनाना होता है। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। अच्छा, तो इसको नाम देते हैं देसी एडवेंचर। ओके, तो गेम मोड रहेगा सर्वाइवल और स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि जब ये लोड करेगा वर्ल्ड तो रैंडमली जनरेट करेगा एक वर्ल्ड। और इसमें क्या होगा कि हम लोगों को एक पोजीशन दिया जाएगा जहाँ से हम लोगों को सर्वाइव करना। एनीवेज, तो मेरा वर्ल्ड जनरेट हो गया। मैं आजू बाजू देख लेता हूँ क्या है। पानी पानी, तो फिर इसमें सर्वाइव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रिसोर्सेस इकट्ठा करने पड़ेंगे, लाइक वुड, स्टील और ये सब। और जैसे ही बताओ, इसमें अभी दिन का समय है, जैसे ही इसमें रात का टाइम होगा दुनिया भर के अजीब अजीब क्रीचर्स स्पॉन होंगे, जैसे कि जॉम्बी और स्केलेटन, स्पाइडर, ये सब। तो हम लोगों को उनसे बचते हुए ये गेम में सर्वाइव करना है। और इसको लास्ट बॉस जो होता है इसका, द एंड होता है, तो वहाँ तक पहुँचना है। तो एनीवेज, ये गेम पूरा एक सीरीज होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को चीज़ें बनाने के लिए वुड चाहिए। लकड़ियों के लिए हम लोगों को ट्री चाहिए जिससे हम लोग वुड ले पाएंगे। अच्छा, तो एक और चीज़, इसमें जितनी भी सारी चीज़ें बनेंगी मोस्टली वो सब क्यूब से होंगे, लाइक डिब्बे। ये दिख रहा है, सब कुछ डिब्बे डिब्बे जैसा दिख रहा है। अप्पा चप्पा टप्पा, एनीवेज डब्बा। तो डिब्बे से ही हम लोगों को घर बनाना पड़ेगा और उसमें हम लोगों को दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ेगी। इसमें और भी ऑप्शन है लाइक चेस। इसके मूव्स बहुत सिंपल हैं। कंट्रोल्स, ASDW की से आगे पीछे आजू बाजू हम लोग मूव कर सकते हैं, स्पेस बार से जंप, और राइट लेफ्ट माउस बटन से हम लोग पंच करके कोई भी ब्लॉक तोड़ सकते हैं। और जो भी हम लोगों ने इकट्ठा किया है वो हम लोगों को नीचे ये जो 9 बॉक्सेस दिख रहा है वहाँ पे मिल जाएंगे अवेलेबल। और ई प्रेस करने से हम लोगों को मिलेगा एक पूरा हम लोगों का इन्वेंट्री। ओके, तो ठीक है, इन्वेंट्री में हम लोग जितनी भी चीज़ें इकट्ठा की है ना हम लोगों ने, वो हम लोगों को मिलेगा नीचे। ये जो 9 डिब्बे दिख रहे हैं वो है हॉट कीज़ हैं, 1 से लेकर 9 तक। तो अब जब आपको जैसे समझ लो मैंने ये लिया, अभी अगर मैंने प्रेस किया 2 तो मैं स्विच कर लूँगा उस पर। हर एक जो रिसोर्स है उसका अलग अलग उपयोग है इसमें। एनीवेज, आप धीरे धीरे जैसे जैसे देखोगे वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा। तो हम लोगों को सबसे पहले कलेक्ट करना है वुड। वुड हम लोगों को मिलेगा ट्री से। इसको बस पंच करते जाओ। एक ब्लॉक मिला हम लोगों को वुड का। जैसे जैसे हम लोग और ज़्यादा वुड इकट्ठा करेंगे वैसे वैसे हम लोग और भी ज़्यादा अलग अलग वेपन्स या इक्विपमेंट्स बना पाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी इस ट्री को पूरा तोड़ लेता हूँ। मेरे ख्याल से शुरुआत के लिए इतना वुड काफ़ी रहेगा। अब हम लोग कोई अच्छी सी जगह देखनी है जहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर घर बना पाए और जहाँ से हम लोगों को मोस्टली चीज़ें अवेलेबल हो।
मेरे ख्याल से हम लोगों को उस तरफ जाना चाहिए। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे देख के नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर गिरा तो हम लोगों का लाइफ ख़त्म होता है। जैसे कि अभी देखो, दिखा इतने इतने ऊंचाई से गिरने पे हम लोगों का 2 लाइफ कम हो गया। नीचे जो दिखा है हार्ट बार है और एक है हंगर बार। हंगर बार से क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग भूखे होते जाएंगे ना, हम लोग का मूवमेंट स्लो होता जाएगा। एनीवेज एक और चीज़, मैं एस्केप दबाता हूँ, इसमें हम लोग ऑप्शन सेट कर सकते हैं। अभी मेरा डिफ़िकल्टी है नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल में मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है ये गेम खेलना, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा इसको नॉर्मल में खेलना, तो मैं इसको ईजी कर देता हूँ। ठीक है, ईजी भी, इसका ईजी पार्ट भी बहुत डिफ़िकल्ट है। और म्यूज़िक वीडियोस ये सब ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब तो नॉर्मल ही है। ओके बैक। तो एनीवेज अगर हम लोग शीप को मारते हैं तो वुल कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग के पास कोई सॉर्ड या ऐसा कुछ नहीं है, तलवार वलवार, तो इसलिए हम लोग अच्छे से नहीं मार पा रहे उसको। एनीवेज तो अभी हम लोगों को कोई अच्छी जगह देखनी है जहाँ से मोस्टली हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेस कलेक्ट कर सके और अपना एक घर बना सके, पहला घर। मेरे ख्याल से हम लोग को इतने ओपन में नहीं रहना चाहिए। मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ थोड़ी ऊंचाई हो, क्योंकि फिर रात जब होगी तो ज़ॉम्बीज और ये सब पहुँच नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो अभी सबसे पहले काम ये करते हैं कि एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढते हैं, वहाँ पे अपना एक घर बनाते हैं। ये शुगर कैन कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये काम आएगा हम लोगों को बाद में। अच्छा अगर आपको देखना है कि बताओ रात कितनी जल्दी होने वाली है, तो फिर अब मेरे ख्याल से अभी हम लोग के पास काफ़ी टाइम बाकी है। ऊपर अगर देखोगे तो सन दिखाई देगा, सूर्य। मेरे ख्याल से ये अच्छा स्पॉन नहीं है। चलो एक काम करते हैं, टाइम और नहीं बर्बाद करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना घर बनाना। पानी में तैरने के लिए हम लोग को स्पेस बार प्रेस करके रखना पड़ता है। एक और चीज़, आप हर एक चीज़ को जो पंच करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लाइक अभी अगर यह मैंने यहाँ पे पंच किया थोड़ी देर तक, तो मुझे मिला डर्ट। डर्ट से कि हम लोग बना सकते हैं घर अपना। अरे वाह, हम लोग को विलेज मिल गया शुरू में ही। विलेज अभी ज़रूरत तो नहीं है विलेज में जाने की, बट मैं उसके आसपास अभी के लिए एक घर बना लेता हूँ, क्योंकि रात बहुत जल्दी होने वाली है। आई थिंक हम लोग के पास 3-4 मिनट ही है। अच्छा मैं 4 प्रेस करता हूँ मटन खाने के लिए, क्योंकि मेरा हंगर बार बहुत कम हो चुका है। मुझे बहुत जल्दी एक घर की ज़रूरत है। ओह, हम लोग को एक टेंपल भी मिला। एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं एक टेम्प्रेरी घर यहाँ पे बना लेता हूँ, क्योंकि हम लोग को रात बिताने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। चलो अभी चालू करते बनाना। इसमें ब्लॉक्स जो है वो एक के बाद एक प्लेस कर सकते हो आप।
और डर्ट की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। इस गेम में सबसे कठिन काम होता है सबसे पहला दिन सर्वाइव करना, क्योंकि आप आपके पास कोई भी रिसोर्स नहीं होता जिससे आप अपने आप को डिफेंड कर सको। और मुझे ऐसे जगह पे स्पॉन किया गया है जहाँ से मैं मुझे ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं दिख रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, बट कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से 30 काफ़ी रहेगा हम लोगों के लिए अभी के लिए। ये जो मैं प्लेस कर रहा हूँ ये राइट क्लिक प्रेस करके प्लेस कर रहा हूँ। ओह शिट, एनीवेज हम लोग को चाहिए 3x3 का हाइट, 3 का हाइट।